Surprise. तो गाइज अब तक आप लोगों को ये बात तो मालूम पड़ ही गया होगा कि मैं अलग अलग इंट्रो अलग अलग जॉनर के लिए यूज़ करता हूँ, और आज का जो ये इंट्रो था ये एनीमे से था, तो ये वीडियो ऑब्वियसली एनीमे के ऊपर बेस्ड होगी। बट उसके अलावा इसमें मैं Q&A और एक छोटा सा मीटअप करने का जो प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो गाइज अगर आप लोगों ने मेरा कल का पोस्ट पढ़ लिया होगा तो आपको इस वीडियो की आधी इन्फॉर्मेशन तो होगी ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता देता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सो गाइज 11th अक्टूबर को वेदरिंग विथ यू रिलीज़ होने वाली है इंडिया में, और ये सब कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं उन सब के सिटीज़ के नेम आप नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा मे बी आपके आसपास के सिटीज़ में अगर स्पेशल स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट की गई है तो वो भी वहाँ हो रहा होगा, तो उसे भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे घर से सबसे नियरेस्ट प्लेस जहाँ पर ये स्क्रीनिंग हो रही है वो है रांची, जो कि बोलने के लिए नियरेस्ट है बट मुझे एटलीस्ट 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है उसके लिए, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को भी मेरी बातों पर विश्वास है वो प्लीज़ इस मूवी को देखने चाहे। ये मूवी जापान की ओर से ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये मूवी कितनी धाकड़ होने वाली है। प्लस फ्यूचर ऑफ एनिमे इन इंडिया डिपेंड्स ऑन दिस मूवी। अगर ये मूवी हिट करती है तो आगे भी एनिमे के रिलेटेड मूवीज़ आते रहेंगे, और अगर एनिमे का कारोबार फिर से इंडिया में आ जाए तो आने वाले बच्चों का बचपन और अभी जो जी रहे हैं उनकी ज़िंदगी जिंगालाला हो जाएगी। एनिमे के कंटेंट और रिप्रेजेंटेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, शायद ही एक दो खराब हो सकते हैं, वो भी लोगों के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वरना एनिमे कंटेंट देने में कभी पीछे नहीं रही है। और एक बात बहुत से लोगों ने मुझसे हमेशा पूछा है कि कैप्टन बीटू का मतलब क्या है, जिसे मैं हमेशा से टालते आया हूँ और Q&A वीडियो के लिए बचा के रखा हूँ, तो मैं आज उसका जवाब दे देता हूँ। बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन होगा कि कैप्टन बीटू में जो कैप्टन है वो कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में वो जो कैप्टन है वो सेवन डेडली सीन्स नामक एनिमे के एक मेन कैरेक्टर मेडियोलस, जिसे आमतौर पर कैप्टन बुलाते हैं, उससे इंस्पायर्ड है। एंड बिट्टू की कहानी मैं आपको Q&A वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं डेस्परेटली इस मूवी को हिट होते हुए देखना चाहता हूं ताकि आगे भी ऐसे एनिमे मूवी आती रहें, और इसीलिए मैं 10 टिकट्स का गिव अवे कर रहा हूं, और ये 10 टिकट्स का गिव अवे रैंडमली होगा, और इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको थोड़े से बस फॉलो करने हैं, और वो रूल्स बहुत ही सिंपल से हैं। सबसे पहला रूल यही है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना होगा, और वहाँ पर जाके आपको मुझे पर्सनली मैसेज में भेजना होगा कि आप ये मूवी देखना चाहते हैं। प्लस अगर आप कोई एनिमे देखते हैं तो उस एनिमे का कोई फेवरेट सा लाइन आप कोट करके मुझे उसमें भेज सकते हैं। एंड आप कहाँ से हो और आपके सबसे नज़दीकी मल्टीप्लेक्स या PVR जहाँ पर ये मूवी रिलीज़ हो रही है उसके बारे में भी वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इन केस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहते हैं तो आप लोग अपने नंबर्स को मेंशन करके भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ 10 टिकट्स गिव अवे कर रहा हूं, तो मैक्सिमम मैं एक ग्रुप में 2 या 3 लोगों को एक ही जगह से भेज सकता हूं, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो लोग रांची में रहते हैं और वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ रांची के PVR में वेदरिंग विथ यू देखने ज़रूर आइएगा, और मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम के जरिए कौन सा सीट नंबर मेरा है, सो दैट वी कैन मीट एंड मूवी के बाद वी कैन हैव बिट चिट चैट। एंड गाइस मैंने देखा था कि बोकारो में वेदरिंग विथ यू का स्क्रीनिंग के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, इन केस गाइस अगर आप लोगों का वहां नहीं होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वेदरिंग विथ यू देखने के प्लान को कैंसिल ना करें, रांची आ जाने का छोटा सा कष्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ लोगों को तो एटलीस्ट वेदरिंग विथ यू दिखा सकूं। सेम फॉर रांची, जो लोग रांची में रहते हैं और वो लोग भी देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम रूल्स लागू होते हैं। आप लोगों को सिर्फ अपने फेवरेट एनीमे या फिर कोई भी सुपर हीरो के रिलेटेड कोई कोट्स मुझे पर्सनली भेजने हैं और लिखना है कि आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी, और आपकी जो सबसे नियरेस्ट PVR या मल्टीप्लेक्स जहाँ पर ये मूवी दिखाई जा रही है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देना होगा ताकि मेरे लिए आसानी हो आपको टिकट्स भेजने में। रही बात Q&A की, तो आप #AnswerCaptainB2 लगाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जब भी Q&A वीडियो बनाऊंगा तो आपके क्वेश्चंस को कंसिडरेशन में लूंगा, और उसके बाद उसमें अगर लकी इनफ क्वेश्चन रहा तो मैं उसका जवाब दूंगा। मैं और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, जिन भी सिटीज़ का नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है और अगर आप वहाँ रहते हो या उसके आसपास रहते हो और आप अफोर्ड कर सकते हो मूवी को देखना, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाएं। मैं विश्वास दिलाता हूँ गाइस आप लोगों को कोई रिग्रेट नहीं होगा। वैसे तो मैं आमतौर पर यह कहता हूँ कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रेट लगाकर आगे बढ़ते रहें, एंड इफ पॉसिबल सेव वन, बट आज मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा।
If possible, go and watch Weathering with you guys. It's a humble request from your friendly neighborhood Spider-Man fan, Captain B2.